हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज कंसर्न विद द पीपल हु आर सिक एज वेल एज दे हेल्दी यंग एंड ओल्ड मेल एंड फीमेल। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज कंसर्न, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है संबंधित है विद द पीपल हु आर सिक, या जो व्यक्ति बीमार है या वो हेल्दी है, स्वस्थ है। बीमार व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति दोनों से संबंधित है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। यंग एंड ओल्ड, या वो व्यक्ति जवान है या बूढ़ा है, दोनों से संबंधित है। मेल एंड फीमेल, चाहे वो पुरुष है या महिला है, दोनों से संबंधित है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स जॉब इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द सिक बट हैज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द डिजीज एंड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पीपल। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो जॉब है वो लिमिटेड नहीं है केवल बीमारी तक, वे बराबर की जो भूमिका निभाता है टू प्रिवेंट द डिजीज, बीमारी को रोकने के लिए। टू प्रिजर्व द डिजीज, बीमारी से संरक्षित करता है। एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पीपल, और लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देता है, हेल्थ को बढ़ावा भी देता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो सबसे पहला जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो स्कोप है वो है होम केयर में। नर्सिंग प्रैक्टिस इज अप्लाइड इन मीटिंग द हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज, फैमिलीज एंड इंडिविजुअल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज एट होम। घर पर, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, घर पर जो है कम्युनिटी में फैमिलीज को, या फिर इंडिविजुअल, या तो व्यक्ति रूप से परिवार में, या फिर एक सामुदायिक भवन या सामुदायिक रूप से सम्मिलित रूप से एक अप्लाइड मीटिंग है। मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो होम केयर के रूप में काम करते हैं, मतलब घर पर जो है सेवाएं देती है। दूसरा है रिहैबिलिटेशन सेंटर पर। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड केयर इन रिहैबिलिटेशन यूनिट। जो रिहैबिलिटेशन यूनिट है उसमें भी जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है अपना केयर प्रोवाइड करती है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापित करना, मतलब जो अंग में डिसेबिलिटी हुई है यदि वो अंग नहीं भी रहता है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस अंग का काम दूसरा जो अंग से करवाना, मतलब जैसे किसी का एक हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ से भी उस हाथ का काम करवाना, इसे हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं नर्सिंग होम की। नर्सिंग होम क्या आते हैं, मैं किस तरह से ये अपना केयर प्रोवाइड करती है। द कम्युनिटी हेल्थ टीम विच प्रोवाइड्स नर्सिंग केयर ट्रीटमेंट टू द सिक एंड हेल्थ काउंसिलिंग गिवन इन द नर्सिंग होम। जो नर्सिंग होम के अंदर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो टीम है वो केयर प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट टू द सिक, जो बीमार व्यक्ति है उनके इलाज में, एंड हेल्थ काउंसिलिंग, काउंसिलिंग करता है स्वास्थ्य के बारे में गिवन इन नर्सिंग होम के अंदर। अब हम बात करते हैं एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग की। एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हिंदी में होता है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। द पब्लिक हेल्थ नर्स प्ले ए मेजर रोल इन एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। जो पब्लिक हेल्थ नर्स जो है प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल मैटरनल हेल्थ नर्सिंग में, और जो है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में, परिवार नियोजन कार्यक्रम और मातृ शिशु स्वास्थ्य के अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इट कम्प्राइजेज का मतलब होता है शामिल किया गया है एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज। एंटीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। पोस्टनेटल का मतलब होता है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। और जो चाइल्ड है केयर सर्विसेज है, मतलब जो बच्चा है उसकी किस तरह से केयर किया जाता है, ये सब इसके अंदर शामिल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रोल के अंदर। अगला जो पॉइंट है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में किस तरह से, द पर्पज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो हेल्थ केयर सर्विस है इसका जो एम्स है, या इसका जो सर्विस है, ये इस स्टेटस को, जो हेल्थ स्टेटस है इसको इम्प्रूव करना चाहती है पॉपुलेशन के अंदर। हेल्थ केयर सर्विस का जो है ये पर्पज है कि जो हेल्थ स्टेटस है पॉपुलेशन का इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। इट एम्स, हेल्थ केयर सर्विस का जो एम्स है एट मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रिडक्शन। मृत्यु, मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, और मोर्बिडिटी का मतलब जो इलनेस, मतलब बीमार होने की जो दर है इसको कैसे कम किया जाए। इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, जो लाइफ का जो एक्सपेक्टेशन है इसको किस तरह से बढ़ाया जाए, मतलब जो जीवन काल है इसको किस तरह से बढ़ाया जाए।
डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या जो बढ़ रहा है, उसको किस तरह से कम किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इसको किस तरह से बढ़ाया जाए, मतलब जो क्वासीओर्कोट या मेरास्मस या प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी हो रहा है इसको किस तरह से कम किया जाए, और स्वास्थ्य को किस तरह से बढ़ाया जाए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को किस तरह से बढ़ाया जाए। लिटरेसी जो साक्षरता रेट है इसको कैसे बढ़ाया जाए। डिक्रीज द लेवल ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी को किस तरह से कम किया जाए, ये मेजर रोल अदा करती है इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हेल्थ केयर सर्विसेज के रूप में। अगला है इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस। इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस, द नर्सिंग सर्विस एट इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक एरिया इंक्लूड पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, जो पीरियोडिक हेल्थ चेकअप मतलब लगातार या समय समय पर हेल्थ मतलब स्वास्थ्य की जो है चेकअप करवाना या देखभाल करना। केयर ऑफ द सिक, बीमार जो लोग हैं उनका केयर करना या देखभाल करना। फर्स्ट एड देना और हेल्थ काउंसलिंग करना। इंडस्ट्रियल सैनिटेशन एंड सेफ्टी मतलब जो इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज है इसके अंदर जो है औद्योगिक एरिया में जो है समय समय पर स्वास्थ्य की जो है जांच करना। केयर ऑफ सिक, जो बीमार लोग हैं उनको केयर करना, उनका फर्स्ट एड देना और हेल्थ काउंसलिंग करना, और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो है लोगों की काउंसलिंग करना। इंडस्ट्रियल सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब होता है स्वच्छता, इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो स्वच्छता है उसको मेंटेन करना। एंड सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक सुरक्षा किस तरह से दी जाए हेल्थ के लिए, ये काम होता है इंडस्ट्रियल हेल्थ नर्सिंग का। अगला है स्कूल हेल्थ नर्सिंग। द स्कूल हेल्थ नर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन, मतलब जो स्कूल चिल्ड्रेन है, जो विद्यालय के बच्चों हैं, उन विद्यालय के बच्चों के अंदर किस तरह से स्वास्थ्य को प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए स्वास्थ्य को, बीमारी होने से किस तरह से बचाया जाए। सी प्रोवाइड सर्विसेज, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज लाइक अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ डिजीज, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड, डेंटल हेल्थ, स्कूल सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ एजुकेशन, फॉलो अप एंड रेफरल सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है अर्ली डिटेक्टेशन करती है ऑफ डिजीज का, बीमार होने से पहले जो है उसका प्रभाव पता लगाती है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चों को, फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है, डेंटल हेल्थ दांत से संबंधित जो है चिकित्सा प्रदान करती है, हेल्थ सैनिटेशन, स्कूल सैनिटेशन जो विद्यालय में जो साफ सफाई है इसको मेंटेन करती है स्वास्थ्य के लिए, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड जो स्वास्थ्य का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करती है, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य से जो संबंधित जो शिक्षा है वो बच्चों को प्रदान करती है, फॉलो अप करती है मतलब जो बीमार बच्चे हैं उनको टाइम टाइम पर वापस चेक करने के लिए बुलाती है, एंड रेफरल सर्विसेज, और जिनकी स्थिति गंभीर है, जिनकी हालत जो है डिजीज कंडीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनको टर्सरी लेवल पर जो है ट्रांसफर करने का भी काम करती है। अगला है डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज। कम्युनिटी मतलब डोमिसिलरी का मतलब होता है घरेलू, जो नर्सिंग सर्विसेज है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स फोकस एट डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज इंक्लूड मैटरनिटी सर्विस, हेल्थ सुपरविजन एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड सर्विस फॉर इलनेस एंड एक्सीडेंट। जो घरेलू नर्सिंग जो सर्विसेज है इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है प्रोवाइड करती है या फोकस करती है मैटरनिटी सर्विस पर, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनकी केयर के लिए, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ सुपरविजन मतलब जो स्वास्थ्य के लिए जो है सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण, जो एक तरह से हिंदी में सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण, इसके लिए। एंड डिजीज प्रिवेंशन, जो बीमारी है उनसे कैसे बचा जाए, प्रिवेंशन किस तरह से बचा जाए। एंड सर्विस फॉर इलनेस, और जो बीमार व्यक्ति है उसको किस तरह से सेवाएं दी जाए। और एंड एक्सीडेंटल, जो पर्सन है जिसकी जो एक्सीडेंट हो गया है मतलब जिसका एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया है, उस जो वो जो व्यक्ति है जो दुर्घटना से ग्रसित है, जो बीमार से ग्रसित है, उसको किस तरह से केयर दिया जाए, इसके रूप में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स रोल अदा करती है। अगला है जीआरटी नर्सिंग सर्विसेज। जीआरटी का मतलब होता है वृद्ध अवस्था में कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, जो वृद्ध लोग हैं उनको इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर जो ओल्ड पीपल हैं उनकी केयर प्रोवाइड करना भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है। द नीड ऑफ, नीड मतलब आवश्यकता ऑफ द जीआरटी नर्सिंग केयर इज डिफरेंट, अलग अलग होती है जीआरटी नर्सिंग में लोगों की नीड कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। एंड दे नीड मोर केयर देन द यंगर एज ग्रुप्स, जो जवान व्यक्ति है उनसे ज्यादा केयर प्रोवाइड करना पड़ता है
जो ओल्ड पीपल्स हैं उनको जीआरटी नर्सिंग सर्विसेज के अंदर। अगला है मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब जो मनोचिकित्सा या मेंटल मतलब मन की हेल्थ सर्विसेज चिकित्सा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मनोचिकित्सा सर्विस फॉर ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंक्लूड। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सम्मिलित किया गया है अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना मतलब पता लगाना, एंड ट्रीटमेंट और इलाज करना, रिहैबिलिटेशन पुनर्वस्था में लाना, साइकोथेरेपी मतलब साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा देना, यूज ऑफ मॉडर्न साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, जो नए जो साइकोट्रॉपिक जो ड्रग्स हैं, जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में है जो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स है, इसके बाद से आपका एंजी डिप्रेजेंट ड्रग्स है, एंटी मैनिक ड्रग्स है, ये सब साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, नई जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है इनको, एंड आफ्टर केयर सर्विस प्रोवाइड करना मतलब जल्दी से जल्दी जो है बीमारी का पता लगाना, उसका इलाज करना, पुनर्वस्था में लाना, साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा देना, यूज ऑफ मॉडर्न साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एनजी एंड जो अभी साइकोट्रिक जो ड्रग्स हैं उनकी यूज करना, और आफ्टर केयर सर्विस और ठीक होने के बाद भी जो है उनकी केयर करना या देखभाल करना, ये सम्मिलित है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें दोस्तों तक। थैंक यू।